मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश अस्थाना। आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू द चैप्टर ऑफ स्नैपशॉट, चैप्टर नंबर 4, विच हैज बीन टाइटल्ड एज एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। सो हम लोगों ने एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़ा था, उसके स्कूल डेज के बारे में, कि हिज स्कूल डेज वर नॉट सो गुड एज वी एक्सपेक्टेड। We always think that the talented, those who become very much talented, their childhood also remains very much enjoyable without the struggle, living in their comfort zone. So actually it is not the same condition everywhere. तो हमने शुरू में देखा कि किस तरह से एल्बर्ट आइंस्टीन को अपने शहर इटली से जर्मनी आना पड़ा था पढ़ने के लिए, बिकॉज हिज फैमिली वॉज नॉट सो रिच, नॉट सो प्रॉस्परस, सो हिज फादर सेंट हिम म्यूनिक इन जर्मनी टू स्टडी। बट बिकॉज ही वॉज नॉट गुड एट स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली ही हैड ए वेरी बैड इमेज इन स्कूल, इन हिज इंस्टीट्यूट वेयर ही वॉज परफॉर्मिंग हिज डिप्लोमा, द पॉलीटेक्निक डिप्लोमा। तो उसके रोज़ाना लड़ाई झगड़े होते रहते थे। शुरू में आपको बताया गया हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन से उसका झगड़ा हुआ, हॉट टॉक हुआ, हीटेड एक्सचेंज ऑफ द वर्ड्स। तो उन्होंने उसको, एंड इट हैज़ एंडेड एज, उन्होंने कहा कि यू आर लाइक ए ब्लॉट ऑन द स्कूल, वाई आई थिंक योर फादर had kept you in this school, why don't you go away। तो उसको ये सब बहुत दुख हुआ, और वो बहुत ही गंदी बस्ती में, एक स्लम एरिया में रहता था म्यूनिक में, कोई अच्छे फ्रेंड नहीं थे उसके, केवल एक ही फ्रेंड था यूरी। यूरी से उसकी बहस हुई तो यूरी ने कहा एटलीस्ट यू आर लिविंग बिटवीन सम गुड पीपल, बट वेयर आई लिव इट इज़ फुल ऑफ वायोलेंस दैट प्लेस, सो वे आर द मर्डर एंड द ऑल दीज काइंड ऑफ ऑबनॉक्शियस थिंग्स आर ए नॉर्मल डे इवेंट। सो नाउ वी कम टू द पेज नंबर 27, द सेकेंड पैराग्राफ। ही टोल्ड हिज कजिन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम she came to Munich. Normally she lived in Berlin where her father had a business. तो उसकी कज़िन मिलने आई उससे, her name was Elsa, and normally she also lived in the capital city of Berlin of Germany where her father had a business. I am sure you could learn enough to pass the exam, Albert, if you tried, she said. I know lots of boys who are much more stupid than you are, she said, who get through. They say you don't have to know anything, you don't have to understand what you are taught, just be able to repeat it in the exam. Actually, jab Albert ne अपनी समस्या अपनी कज़िन को बताई कि आई एम नॉट गुड एट स्टडी एंड आई थिंक दैट आई विल नॉट बी एबल टू पास द एग्ज़ाम, सो शी हैड एसवेज्ड, शी हैड गिवन हिम सम सूथिंग वर्ड्स, शी सेड दैट, उसने कहा कि मुझे विश्वास है कि तुम एग्ज़ाम ज़रूर पास कर लोगे यदि तुम ट्राई करो, यदि तुम कंपेयर करोगे तो तुमसे बहुत ज़्यादा गिरे हुए बच्चे हैं, स्टूपिड हैं जो कि, लेकिन वो पास हो जाते हैं। और मेरी जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया था, ओनली यू हैव टू रिपीट इन एग्ज़ाम व्हाट यू नो, जो भी जानते हो बस वही केवल एग्ज़ाम में लिख के आ जाओ, यू वुड सर्टेनली बी पास इन द एग्ज़ाम। दैट इज़ द होल ट्रबल, सेड एल्बर्ट, I am not good at learning things by heart. तो एल्बर्ट ने कहा यही तो एक समस्या है, एक
कि मैं कोई भी चीज़ रॉट करने में, कोई भी चीज़ रटने में माहिर नहीं हूँ। जब तक कोई चीज़ मेरी समझ में नहीं आती है तब तक मैं इसको लिख नहीं सकता। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, एनी वन कैन लर्न लाइक ए पैरट, यू जस्ट डोंट ट्राई, एंड येट आई विल ऑलवेज सी यू विद ए बुक अंडर योर आर्म, एडेड एल्सा। वॉट इज़ द वन यू आर रीडिंग? तो एल्सा ने कहा कि नहीं, तुमको अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है, हर सब्जेक्ट में तुम आसानी से पास हो जाओगे। शी हैड सेड द सूदिंग वर्ड टू हिम। और उसने सब्जेक्ट चेंज करते हुए कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे पास ये बुक देखती हूँ, एक बुक अंडर योर आर्म, और ये क्या है जो तुम पढ़ते रहते हो? अ बुक ऑन जियोलॉजी। उसने कहा ये जियोलॉजी से संबंधित बुक है, ये जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स। डू यू लर्न दैट? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। तो उसकी कज़िन को आश्चर्य हुआ, शी वॉज वेरी मच बिकेम सरप्राइज्ड, अमेज्ड दैट द सब्जेक्ट इन विच ही इज़ परफॉर्मिंग हिज डिप्लोमा, दे डोंट कंटेन द जियोलॉजी। तो उसने कहा कि तुम इससे क्या सीखते हो आखिर? उसने एल्बर्ट ने जवाब दिया कि हमारे स्कूल में साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं इसी को पढ़ता रहता हूँ। देन वाई आर यू स्टडिंग इट? बिकॉज आई लाइक इट। इज़न्ट दैट ए गुड एनफ रीज़न? एल्बर्ट ने आंसर दिया कि चूँकि मैं इस सब्जेक्ट को पसंद करता हूँ, क्या यही बताने के लिए काफ़ी नहीं है? एल्सा साइड, साइड मीन्स टू टेक ए ब्रेथ विद द सैडनेस। आह वरना, यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सेड, बट इट वुडेंट हेल्प विद योर डिप्लोमा। उसने कहा एल्बर्ट तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन by studying this book how can this book assist in your completion of polytechnic? Those subjects are very different. Apart from books on science, his only comfort was music, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. Yahan ye bataya ja raha hai ki Albert ko ek aur shauk tha, किस चीज़ का? म्यूज़िक का। वो हमेशा जब भी उसको समय मिलता था, ही यूज़ टू प्ले द वायलिन रेगुलरली, जब तक उसकी लैंडलेडी, जब तक उसकी मकान मालकिन चिल्ला के उससे उसको मना करने के लिए नहीं कहती थी, जब तक वो बजाता रहता था। दैट व्हीलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, शी सेड, देर इज़ एनफ नॉइज इन दिस हाउस विद ऑल द किड्स हाउलिंग। वो चिल्ला के कहती थी उसकी मकान मालकिन की ये वेलिंग, उसकी निगाह में ये वेलिंग है, वेलिंग मीन्स क्राइंग, रोना पीटना, कि ये जो तुम चिल्लाते रहते हो ये मेरे नर्व्स पे असर करता है, इट पेन्स मी ए लॉट, मुझे बहुत इससे सिर दर्द होता है। वैसे ही इस घर में इतना शोर होता रहता है, किड्स हाउलिंग ऑलवेज, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, ये दिन भर लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक तो इनकी वजह से इतना शोर होता है, और दूसरा तुम भी कम नहीं हो। एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी हु मेड देम हाउल, बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग। एल्बर्ट की कहने की इच्छा हुई है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी हु मेड देम फाउल, कि उसी लेडी की वजह से बच्चे दिन भर इतना रोते रहते हैं, बिकॉज हर बिहेवियर वॉज नॉट नॉर्मल, शी वॉज ऑफ समवॉट पीविश काइंड, हु बिहेव समवॉट एबनॉर्मली। तो बच्चों में चिल्लाना चीखना, एल्बर्ट कहना चाहता था कि तुम्हारी वजह से बच्चे इतने परेशान रहते हैं, लेकिन उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। एल्बर्ट, आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर,
he told Yuri after 6 months alone in Munich. It is absurd that I should go on like this. In the end, it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time. It will be better for all if I stop now. And then what will you do? Yuri asked. I don't know. If I go to Milan, I'm afraid my father will send me back, unless... His eyes gleamed with a sudden idea. Yuri, do you know any friendly doctor? तो 6 महीने बाद, after the 6 month where he had studied, उसने अपने दोस्त से कहा, यूरी से, who was his bosom friend, कि मुझे अब यहाँ से, मैं सोचता हूँ मुझे अब चले जाना चाहिए, क्योंकि I have passed here 6 months और ये बहुत ही it will be a pitiable thing that I continue in the same way that I am spending my father's money and secondly I am not learning anything. एक तो मैं कुछ सीख भी नहीं रहा हूँ और दूसरी hard earned money जो मेरे father की है वो मैं waste कर रहा हूँ यहाँ पे. So it will be better for me that I should stop the working here. I should stop the learning. यूरी ने पूछा, लेकिन तुम आखिर करोगे क्या फिर? वापस जब चले जाओगे तो क्या करोगे? I don't know, उसने कहा, मुझे नहीं मालूम. लेकिन मुझे ये भी डर है कि यदि मैं वापस चला गया मिलेन, मिलेन इज़ द प्लेस इन इटली वेयर हिज फादर यूज़ टू लिव. उसकी फैमिली रहती थी मिलेन में. तो उसने कहा कि मुझे ये भी डर है कि मेरे फादर कहीं ऐसा ना हो फिर से वापस भेज दें मुझको यहाँ ही. अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया. उसने कहा, यूरी, तुम किसी अच्छे डॉक्टर को जानते हो? हु इज़ द फ्रेंड ऑफ योर्स? आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, सेड यूरी. डॉक्टर? नो, आई हैव नेवर हैड एनफ मनी टू गो टू वर. वाई? तो यूरी ने कहा कि मैं जानता तो हूँ, बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको तो मैं जानता हूँ, लेकिन किसी डॉक्टर के पास मैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए कभी नहीं गया. बिकॉज आई हैड नॉट एनफ मनी, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था. वट वाई आर यू आस्किंग? सपोज, सेड एल्बर्ट, दैट आई हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन. Suppose a doctor would say it is bad for me to go to school and I need to get right away from it. उसने कहा, कल्पना करो यदि कोई डॉक्टर मेरे से ये कहे कि तुमको तो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा टेंशन है कि तुम्हारे माइंड पे इसका असर हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पागल हो जाओ, तो तुम ऐसा करो स्कूल से छुट्टी ले लो. और उसने यूरी से कहा कि यदि कोई ऐसा डॉक्टर, कोई डॉक्टर ऐसे इस तरह से मेरे बारे में लिखते तो कितना अच्छा रहेगा. आई कांट इमेजिन ए डॉक्टर सेइंग दैट. यूरी ने कहा, मुझे नहीं विश्वास है कि कोई डॉक्टर इस तरह से कहेगा जैसे तुम बोल रहे हो. Must try, said Albert, to find a doctor who specializes in nerves. Albert ने कहा कि ठीक है, तुम कम से कम कोशिश तो करो कि हो सकता है कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो इस तरह से नर्व्स में स्पेशलिस्ट हो और जो मैंने कहा है शायद उस बात को दोहरा दे, मुझे कुछ सर्टिफिकेट वगैरह दे दे ऐसा. There are plenty of them, Yuri told him. He hesitated for a moment and then added, rather reluctantly, I will ask some of the students if they know one, if you like. उसने कहा, डॉक्टर तो बहुत सारे हैं. हिचकिचाते हुए उसने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ, मैं बात करता हूँ कुछ लोगों से, हो सकता है वो किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हों.
Will you? Oh, thank you, Yuri. Albert's eyes were shining. Wait a moment, I haven't found one yet. Oh, what you will. And if I do, I don't know if he will be willing to help you. He will, declared Albert. I'm going to have a real nervous breakdown to make it easier for him. He laughed merrily. तो यहाँ एल्बर्ट यही सुन के खुश हो गया कि ही वुड ट्राई. ही हैड इमेजिन्ड दैट कि सचमुच कोई डॉक्टर मिल गया है और जो और उसने मुझे सर्टिफिकेट भी दे दिया है, जबकि ऐसा हुआ नहीं था. यूरी ने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा. मैं वो डोंट बी सो मच हैप्पी. A day or two at school will soon put that right, Albert assumed him. Albert ने कहा कि ठीक है, एक या दो दिन के अंदर इस तरह से शायद कुछ हो जाएगा. Certainly he had lost his high spirit when Yuri saw him next. Lost his spirit means to become dampen your enthusiasm. आपका जो उत्साह है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाना. तो वो जब मिला तो वो बिल्कुल स्पिरिटलेस था. I can't stand it any longer, he said. I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. उसने कहा कि यदि तुम ज़्यादा देर लगाओगे, यूरी से बोला एल्बर्ट ने, कि यदि तुम ज़्यादा देर लगाओगे तो ऐसा ना हो कि वास्तव में मुझको नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए और फिर मुझको किसी डॉक्टर को सर्टेनली दिखाना पड़ेगा. कीप इट अप देन, सेड यूरी, आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू. उसने कहा खुश हो जाओ, मैंने एक डॉक्टर की खोज कर ली है तुम्हारे लिए. यू हैव, एल्बर्ट फेस लिट अप. ओ गुड, When can I see him? बहुत खुश हुआ. He became very much elated, very much happy. Albert face lit up. उसने कहा कि मैं कब मिल सकता हूँ. I have an appointment for you for tomorrow evening. Yuri said, here is the address. उसने कहा मैंने तुम्हारा appointment fix करा दिया है. You have to meet him tomorrow evening and this is the address. He handed Albert a piece of paper. Dr. Ernest Well, is he a specialist in nervous breakdown? Asked Albert. Not exactly, Yuri admitted. As a matter of fact, he only qualified as a doctor last week. You may even be his first patient. उसका डॉक्टर का नाम अर्नेस्ट वेल है और वो अभी हालांकि नर्वस ट्रबल में ज़्यादा स्पेशलिस्ट नहीं है. Because he has recently completed his degree, MBBS degree. Perhaps you would be only the first patient for him. So friends, for today it is okay. I will explain some other day the remaining part of the chapter. If you have any query, if you want to understand anything, you can ask me to me anywhere. Thank you very much.